हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जियो सिनेमा की मूवी आई लव यू देख के खत्म करी है। और सच बताऊं, ये एक डिसेंट मूवी है यार, अच्छी लगी मुझे। मतलब बहुत ज्यादा कमाल की तो नहीं बोलूंगा, लेकिन डेफिनेटली अच्छी लगी। क्योंकि जिस तरह की स्टोरी है ना, ये कहानी है, स्टोरी है सत्या और राकेश की। राकेश जो कि सत्या को अपने ऑफिस में बंद कर लेता है। अब क्यों करता है, क्या हो रहता है, इनकी बैक स्टोरी क्या रहती है और इनके साथ अब आगे क्या होने वाला है, यही सब इस मूवी की कहानी है। इससे ज्यादा मैं आपको कहानी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता, वरना स्पॉइलर हो जाएगा। बट फिर अगर हम बात करें स्क्रीन प्ले की, तो स्क्रीन प्ले मुझे पसंद आया। ऑल दो बहुत ज्यादा अमेजिंग, बहुत ज्यादा अलग, बहुत ज्यादा नया नहीं था इस सीरीज को देखते वक्त। आपको काफी ज्यादा नेटफ्लिक्स की सीरीज यू की याद आने वाली है, आमिर खान के भाई की फिल्म फैक्ट्री की याद आने वाली है, और भी कुछ मूवीज हैं जिनकी मुझे याद आ रही थी कि यार कुछ वैसी सेटअप है। लेकिन फिर भी ओवरऑल मूवी इतनी डिसेंट थी कि हमें इंगेज करके रखती है, हमें बोर नहीं करती। क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एस्टैब्लिश करती है, हमें बताया जाता है कि इन सबकी लाइफ किस तरह की है, इन सबकी लाइफ में किस तरह के लोग हैं, इन सबके आपस में रिलेशन किस तरह का है, वो सब इतना अच्छा तो है ही कि हमारे स्टार्टिंग से ही इस मूवी में कनेक्शन बन जाता है। फिर जिस तरह से मूवी आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, हमें बताया जाता है कि अब इन सबकी लाइफ में कितना कुछ बदल चुका है, किस तरह की चीजें यहाँ हो रही हैं और अब आगे क्या होने वाला है, वो सब भी इतने अच्छे से तो लिखा गया है कि हम पूरे टाइम इस मूवी में इन्वेस्ट रहते हैं, बोर नहीं होते हैं। फिर जहां तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो वो भी ठीक ठाक है, इंपैक्ट डालने में कामयाब रहते हैं। ऑल दो सारे ट्विस्ट काफी प्रेडिक्टेबल रहते हैं, हमें पहले सीन से पता होता है कि ये ट्विस्ट आने वाले हैं। इसी कारण से ये ट्विस्ट हम पे कुछ भी नया तो नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन फिर भी इंपैक्ट डालने में कामयाब रहते हैं। जहां तक बात इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की, इस मूवी में काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन स्टिल वो काफी आराम से इग्नोर हो जाते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये मूवी हमें इंगेज करके रखती है, इसी कारण से मैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात नहीं करना चाहूंगा। जहां तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अच्छा ठीक जरूर है, क्योंकि सभी एक्टर्स ने अपने रोल को ठीक ठाक तरीके से प्ले कराया। जहां तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन अच्छा है, कुछ पॉइंट पे थोड़ा और बेटर होना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल अच्छा है, और जो एडिटिंग है वो भी डिसेंट है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक डिसेंट मूवी है, जिसे आप बहुत ज्यादा अमेजिंग, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा नया तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन फिर भी ये मूवी इतनी अच्छी तो है कि आपका टाइम पास करके रखेगी, आपको बोर नहीं होने देगी, और साथ ही साथ आप ये मूवी है ना अपने पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो, वो भी फ्री में। तो फिर क्या ही बुराई है इस मूवी को देखने में। बाकी अगर आपको पैसे देने होते तो शायद मैं सोचता भी कि आप रिकमेंड करूं या ना करूं, लेकिन क्योंकि ये मूवी फ्री में अवेलेबल है, इस मूवी में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा जिसके कारण आप ये मूवी अपनी फैमिली के साथ ना देखो, ये मूवी आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। डिसेंट मूवी है, ज्यादा कुछ दिमाग चलाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पून फीडिंग काफी की गई है। इसी कारण से मेरी तरफ से तो ये मूवी पूरी तरह से रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।